नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम के प्रयास से झारखंड को मिला 758 करोड़ का सौगात। एक प्रमुख भारतीय सीमेंट कंपनी और डालमिया भारत लिमिटेड की सहायता इकाई डालमिया सीमेंट लिमिटेड ने कल झारखंड सरकार के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौते राज्य में 758 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित है। डालमिया सीमेंट झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोकारो में अपनी निर्माण इकाई में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डिपोर्ट लर्न किंग के माध्यम से 3.7 मिलियन टन की अपनी मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के अलावा कंपनी बोकारो में समग्र सीमेंट निर्माण क्षमता को 6.3 MTPA तक ले जाने के लिए कई एक नई ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। रतन टाटा की कंपनी अगले 3 साल में झारखंड में करेगी 3000 करोड़ रुपए का निवेश। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक टाटा स्टील ने अगले 3 साल के दौरान क्षमता विस्तार के लिए झारखंड में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति के शुभारंभ के मौके पर कंपनी ने प्रतिबद्धता जताई है। अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का तत्काल वेतन बंद करने का निर्देश। शनिवार को उपायुक्त ने टूंडी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया तथा प्रखंड से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिस कारण शिक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा सही ढंग से नहीं हो पाई। उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को उनका वेतन तत्काल बंद करने हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। झारखंड महिला समाज ने महंगाई सुरक्षा के खिलाफ केंद्र सरकार पर बोला हमला। प्रखंड के डंडाडीह पावर हाउस स्थित आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल में शनिवार को झारखंड राज्य महिला समाज कोडरमा जिला इकाई की बैठक संपन्न हुई। मुख्य रूप से झारखंड राज्य महिला समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया देवी उपस्थित थी। बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज पूरे देश में महिलाएं एवं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। देश की महिलाएं दुष्कर्म की शिकार बन रही है। CPI के जिला मंत्री प्रकाश रजक ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस बांटकर महिलाओं को धोखा दिया है। रसोई गैस का दाम कितना बढ़ गया है कि पुनः महिलाएं लकड़ी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गई है। झारखंड में निवेश करने वालों को GST में मिलेगी 100% छूट। CM हेमंत सोरेन ने पेश की औद्योगिक नीति। झारखंड में देश के बड़े उद्योगपतियों को निवेश का आमंत्रण देने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय निवेशक बैठक शुक्रवार को आगाज हुआ। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होटल ताज में राउंड टेबल मीटिंग में बड़े कारपोरेटर घरानों के शीर्ष नेतृत्व में मुलाकात की। बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में CM ने कहा कि झारखंड असीम संभावना और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदाय के लिए रोजगार में प्रदान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 59.20 करोड़ रुपए खर्च कर बचाई गई 3654 मरीजों की जान, आप भी ले सकते हैं लाभ। गरीबों के लिए संचालित मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अभी तक काफ़ी सफल रहा है। पूर्व सरकार यानी रघुवर दास ने इस योजना की शुरुआत की थी। पूर्वी सिंहभूम जिले में वर्ष 2015 में इसे लागू किया गया था। तब से लेकर अभी तक कुल 3654 मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। इन मरीजों के इलाज पर विभाग ने 59.20 करोड़ 89,637 रुपये खर्च कर उनकी जान बचाई है। एयरपोर्ट विकास के लिए केंद्र ने झारखंड से मांगी 1,051.4 एकड़ भूमि। झारखंड के विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से 1,051.4 एकड़ भूमि की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है, जिससे कि फ्लाइट जल्द शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि भूमि मिल जाने पर रांची और
धालमुड़गढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी योजना को जल्द पूरा किया जा सकेगा। झारखंड में पहली से बारहवीं तक के सिलेबस में होगी 25% की कटौती। नौवीं से बारहवीं तक की दो परीक्षा जाने विस्तार से। पिछले साल की तरह इस साल भी झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से बारहवीं तक के सिलेबस में कटौती की जाएगी। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने के कारण ऐसा किया जा रहा है। इस वर्ष सिलेबस में 25% की कटौती की जाएगी। परीक्षा में पूरे सिलेबस के 75% पाठ के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शनिवार को 75% सिलेबस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई। उल्टी की शिकायत के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट कर उनका इलाज शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके लीवर में कुछ समस्या है। फिलहाल डॉक्टर की टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है। झारखंड में बनेगा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हेमंत सोरेन ने किया झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जहां से बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होगा। दिल्ली के इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक के एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण करते हुए बात कही। फिट इंडिया क्विज में बच्चों के साथ साथ स्कूल को पुरस्कार जीतने का मिलेगा मौका। बच्चों में फिटनेस, शारीरिक शिक्षा तथा खेल की समझ को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया क्विज का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फिट इंडिया मिशन के तहत इस क्विज का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा, जिससे बच्चों से लेकर संबंधित स्कूलों भी पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इस क्विज में राज्य सरकार एवं निजी स्कूलों के अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से यूपी में अगले सप्ताह योगी मंत्रिमंडल को हो सकता है विस्तार। जितिन प्रसाद समेत तीन नेता बन सकते हैं मंत्री। यूपी में एक बार फिर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटलकें तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। इसमें कई नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले योगी मंत्रिमंडल में इस बार जितिन प्रसाद के मंत्री बनने की चर्चाएं हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहे कि भारत के पास स्वदेशी पोत निर्माण का हब बनने की असीम संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक के पोत विग्रह के कमीशन होने के अवसर पर कहा कि भारत के पास स्वदेशी पोत निर्माण का हब बनने का असीम संभावना है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई नीतियां बनाई है। इससे भारत के विकास की गति बदलेगी। जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल ने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस योजना के अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेश और सम्मान के साथ जीने के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत में डिजिटल रुपए का ट्रायल दिसंबर तक शुरू हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीएनबीसी से कहा कि आरबीआई अपनी पहली डिजिटल करेंसी का ट्रायल प्रोग्राम दिसंबर तक शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर बेहद सावधानी बरत रहे हैं। बकौल दास, आरबीआई डिजिटल करेंसी की सुरक्षा, भारत के वित्तीय क्षेत्र पर उसके प्रभाव और मौद्रिक नीति सहित विभिन्न पहलुओं के समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का चला जादू। एक दिन में 30 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन, टूटा रिकॉर्ड। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने के लिए यूपी सरकार हमेशा ही तत्पर दिखाई देती है। सरकार समय समय पर अपने रिकॉर्ड तोड़ती है, जहां कोविड की एक दिन में सर्वाधिक टेस्टिंग के बाद अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक दिन में कोरोना की वैक्सीनेशन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बिहार में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का रुकेगा वेतन, होगी विभागीय कार्रवाई। बिहार सरकार के नियमानुसार समूह और गौ के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। हर साल फरवरी महीने तक सरकारी कर्मी इसे अपने विभाग में जमा करवा देते हैं, लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना उचित समझते हैं। ऐसे लोगों पर अब राज्य सरकार ने सख्ती करने का मन बना लिया है। स्कूल खुलने के बाद भी मोतिहारी के 200 से अधिक विद्यालयों में नहीं हो रही पढ़ाई। कोरोना के लहर के कारण जिले के विद्यालयों पर
लगातार हो रही बारिश व जल जमाव से पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। यूं तो लगातार हो रही बारिश के कारण जिला मुख्यालय स्थित बीओ कार्यालय, एमएस कॉलेज, एमजेके गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिला स्कूल आदि विद्यालयों में जल जमाव की स्थिति है, परंतु जिले में 216 विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरह ठप है। एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने वाला है, त्योहार से पहले मिलने की उम्मीद। भारत सरकार के लिए काम करने वाली केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने वाला है। लंबे इंतजार के बाद 1 जुलाई से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के महंगाई भत्ते में 17% की वृद्धि होकर 28% हो गई है था, और अब ताज़ा समाचार मिलता है कि 3% की महंगाई भत्ता और बढ़ने वाला है। जो भारत माता की जय ना बोले उनकी नागरिकता खत्म हो, जानिए पवैया ने क्यों कही ये बात। बीजेपी नेता और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने कहा कि कानून में कोई धारा जोड़नी जानी चाहिए जिसे अगर कोई भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं बोलता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। शत्रु राष्ट्र के नारे लगाने वालों को भी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। पवैया के मुताबिक ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग ऐसा न करें उनका संपत्ति अधिकार भी छीन लेना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, पवैया ने यह बातें मीडिया से चर्चा के दौरान कही। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।